उदाहरण दो, यदि त्रिभुज एबीसी में एपी बराबर बीबी और सीपी लंब हो एबी पर, तो सिद्ध कीजिए कि पहला, त्रिभुज सीपीए सर्वांग सम है त्रिभुज सीपीबी, और दूसरा, एसी बराबर बीसी। अब हम उदाहरण दो पर बात करने जा रहे हैं। उदाहरण दो में जो हमें समस्या दी हुई है आपके सामने है, एक त्रिभुज एबीसी हमें दिया हुआ है और ये बताया गया है कि इस त्रिभुज में भुजा एपी और पीबी बराबर है। ये आप देख रहे हैं एपी और पीबी बराबर है। दूसरी जानकारी हमें दी हुई है कि सीपी लंब है एबी पर। सी से एक जो सीपी आप देख रहे हैं एक रेखाखंड है, वो रेखाखंड एबी पर लंब है, ये जानकारी हमें दी हुई है। और हमें सिद्ध करना है कि जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज सीपीए और त्रिभुज सीपीबी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये हमें प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है। और दूसरी एक चीज़ और सिद्ध करनी है, वो है कि भुजा एसी भुजा बीसी के बराबर है। आप देख रहे हैं ये एसी और ये बीसी, ये आपस में बराबर है, ये दूसरी चीज़ है जो हमें सिद्ध करनी है। तो चलिए देखें, हम सर्वांग समता के प्रमेय का उपयोग करेंगे और ये बताएंगे कि त्रिभुज सर्वांग सम है अथवा नहीं, और सर्वांग सम होने के बाद की स्थितियाँ क्या हैं। आप देखिए, त्रिभुज सी पी ए और सी पी बी में ये भुजा ए पी और दूसरे त्रिभुज की भुजा पी बी आपस में बराबर हैं, और चूँकि सी पी ए बी पर लंब है तो आप देख सकते हैं कि ये समकोण होगा, और यदि ये समकोण है तो दूसरी तरफ का जो कोण भी है, दूसरी तरफ का जो कोण है वो भी समकोण होगा। तो इन परिणामों को हम लिख लें, हम लिखें त्रिभुज सी पी ए और त्रिभुज सी पी बी में भुजा ए पी बराबर भुजा पी बी, ए पी बराबर पी बी, ये हमें दिया हुआ है, और कोण पी पर बनने वाला कोण सी पी ए, कोण सी पी ए बराबर कोण सी पी बी, सी पी बी, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये समकोण है। ये भी हम लिख लें, अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में भुजा सी पी उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में मौजूद है। इसको हम लिख लें, पहले त्रिभुज की भुजा सी पी दूसरे त्रिभुज की भुजा सी पी के बराबर है और ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा, और ऐसी परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं ए पी और सी पी दूसरे त्रिभुज की भुजाएं पी बी और सी पी के बराबर है, और इन दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला कोण भी आपस में बराबर है। जैसे सी पी और ए पी के बीच बनने वाला कोण समकोण है, वैसे ही सी पी और पी बी के बीच बनने वाला कोण समकोण है। इस परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि त्रिभुज सी पी ए और त्रिभुज सी पी बी सर्वांग सम है। ये कथन हम लिख लें, त्रिभुज सी पी ए सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी बी के। ये प्रमाणित हुआ, सिद्ध हुआ। और जब कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके शेष अवयव अपनी अपनी संगत भुजाओं या कोणों के बराबर होंगे। उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि पहले त्रिभुज की भुजा ए सी दूसरे त्रिभुज की भुजा बी सी के बराबर है। ये भी हम लिख लें, तो पहले त्रिभुज की भुजा ए सी बराबर है दूसरे त्रिभुज की भुजा बी सी के। तो ये दूसरा कथन था जो हमें सिद्ध करना था, और ये भी सिद्ध हुआ। इस तरह से आप देख रहे हैं कि दिए हुए चित्र में जो दो त्रिभुज बन रहे हैं उन दोनों त्रिभुजों के भुजाएं ए सी और बी सी आपस में बराबर हैं और दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम है। और ये आपको प्रमाणित करना था, आप भी एक बार कोशिश कीजिए।